कोई कार जब टर्न लेता है तो हम उसका स्पीड घटा देते हैं। इसके पीछे का रीजन ये है कि जब कार टर्न लेता है तो उसके सर्कुलर मोशन और उसके अपने ही स्पीड के कारण उसमें एक्ट करता है एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इस कार में इस फोर्स के कारण स्लाइड करने का एक टेंडेंसी आ जाता है, लेकिन उस स्लाइडिंग को रोकता है फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन का भी अपना एक लिमिट है, उसका भी मैक्सिमम लिमिट है। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस स्टैटिक फ्रिक्शन के मैग्नीट्यूड से ज्यादा हो जाए फिर कार स्लाइड कर जाता है। इसीलिए सीधे सपाट रोड में तो हम काफी तेजी से कार चला लेते हैं, लेकिन टर्निंग में हम अपना स्पीड घटा लेते हैं। आप यहां बाईं और नीचे की तरफ अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा यहां स्पीड रिफ्लेक्ट कर रहा है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि फ्रिक्शन किस तरह से काउंटर करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को और इक्वेशन क्या क्या बनता है, तो उसके लिए मैं एक वीडियो का लिंक आपको यहां पर दे रहा हूं सजेस्टेड वीडियोस में, वहां पर क्लिक करके आप उसे देख लें। लेकिन हम अगर ये चाहें कि टर्निंग में भी कार की स्पीड जो है ये काफी ज्यादा हो, तो हम सिर्फ फ्रिक्शन पे रिलाई नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें रोड को बैंक्ड करना पड़ता है, रोड में बैंकिंग इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। बैंकिंग क्या होता है, यहां पर देखें, यहां रोड जो है ये टेढ़ा है, ये स्लैंट रोड है। इस तरह के रोड्स को हम बैंक्ड रोड कहते हैं, या फिर इसे हम रोड का बैंकिंग कहते हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे स्पीड कार की तो ये काफी ज्यादा है। पिछले सपाट रोड में जो टर्निंग था वहां जो स्पीड थी कार की उससे काफी ज्यादा है अभी। बैंकिंग इंट्रोड्यूस करने से हम कार की स्पीड को क्यों इतना बढ़ा सकते हैं और इसके पीछे का फिजिक्स क्या है और इक्वेशंस किस तरह के बनते हैं इस तरह के सिचुएशन में, इन सब को जानने के लिए इस वीडियो को आगे देखते रहें। बैंक्ड रोड सर्कुलर मोशन के लिए कितना हेल्पफुल है, इसे हम इस बात से समझ सकते हैं कि अगर फ्रिक्शन बिल्कुल ना हो कार के टायर और रोड के बीच, तो भी एक सर्टेन स्पीड के लिए बैंक्ड रोड सर्कुलर मोशन सपोर्ट करता है। बड़ा अजीब लगता है सुनने में कि सर्कुलर मोशन हो रहा है, फ्रिक्शन नहीं है, फिर भी कार स्लाइड नहीं कर रहा है। तो यह हमारा पहला केस होगा, इस पे हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। फिर हम दो और केसेस को कंसीडर करेंगे जहां पर कि ये कार बहुत ज्यादा स्पीड के कारण ये ऊपर की तरफ स्लाइड करेगा, और तीसरा केस हम कंसीडर करेंगे कि इसमें स्पीड अगर बहुत कम है तो ये नीचे की तरफ स्लाइड करेगा। ये नीचे की तरफ जो स्लाइड करेगा, इसे समझने के लिए आप कुछ ऐसा सोचे कि कार मान ले रुका हुआ है यहां पर, या फिर मान लो बहुत धीरे धीरे चल रहा है, बहुत ही धीरे चल रहा है, इसका स्पीड बहुत कम है, और यहां पर मान ले मोबिल पड़ा हुआ है, कोई भी लुब्रिकेंट पड़ा हुआ है जिससे कि स्लाइड कर जाए कार। तो जब ये क्रॉस करेगा उस जगह को तो क्या ये स्लाइड नहीं करेगा नीचे की तरफ, करेगा। इसका मतलब एक सर्टन स्पीड से नीचे अगर इस कार का स्पीड हो तो ये नीचे स्लाइड कर जाएगा। उसी तरह से एक सर्टेन स्पीड से ज्यादा अगर इसका स्पीड हो तो ये ऊपर की तरफ स्लाइड करेगा। मतलब कि हमें मैक्सिमम स्पीड और मिनिमम स्पीड भी पता लगाना है। तो हो गया तीन केसेस। तो सबसे पहला जो केस होगा जो हम पता लगाएंगे वो ऐसा होगा ताकि फ्रिक्शनलेस अगर सरफेस हो, फ्रिक्शनलेस हो अगर सरफेस तो भी इसमें सर्कुलर मोशन हो सकता है। केस नंबर टू ये है कि जो मैक्सिमम स्पीड होगा इस कार का ताकि ये स्लाइड ना करे, और केस नंबर थ्री में हम पता लगाएंगे जो इसका मिनिमम स्पीड होगा ताकि ये नीचे की तरफ स्लाइड ना करे। तो फर्स्ट केस के लिए देखें सिचुएशन कैसा होगा कि यहां पर कार का जो
ग्रेविटेशनल पुल है वो नीचे की तरफ होगा एज यूजुअल, कार का जो मास है इसे हम मान लेते हैं कि ये एम है, तो फिर ये जो होगा ये एम जी होगा नीचे की तरफ। और इसका जो सर्कुलर मोशन है उस सर्कुलर मोशन के कारण सेंटर से दूर बाहर की तरफ ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और वो फोर्स कुछ ऐसा होगा, इस डायरेक्शन में होगा। और ये मान ले एफ सी है तो ये बराबर होगा इसका मास इनटू इसका जो स्पीड है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर रेडियस। ये आर है, जिस सर्कुलर पाथ में ये घूम रहा है उस सर्कुलर पाथ का रेडियस। और ये रोड इस कार पे एक नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा, हमें पता है वो नॉर्मल रिएक्शन कैसा होगा, वो नॉर्मल रिएक्शन इस सरफेस पे नॉर्मल होगा। तो ये नॉर्मल रिएक्शन कुछ ऐसा होगा, ये इस सरफेस पे नॉर्मल है। अब यहां एक और मुद्दा वो ये कि ये रोड का जो ढलान है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। यहां से आप देखें ये जो एंगल होगा, यहां पर ये जो एंगल होगा इसे हम एंगल ऑफ बैंकिंग कहते हैं। इसे चलिए थीटा से डिनोट कर लेते हैं और ये है क्या, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। और ये क्या था, ये था नॉर्मल रिएक्शन। अब हमें क्या करना होगा, देखिए यहां पर सिर्फ तीन फोर्सेस काम करेंगे क्योंकि यहां हमने एक स्पेशल केस कंसीडर किया है जहां पर कि अगर रोड फ्रिक्शनलेस भी हो तो भी ये सपोर्ट कर जाएगा सर्कुलर मोशन। तो इस तरह के केसेस में जरूर फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा है तो यहां फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा। आगे जब हम वी मैक्स और वी मिन पे बात करेंगे उसके बाद हम इस सिचुएशन को और बेहतर तरीके से समझने का कोशिश करेंगे। तो फिर यहां से आप ये कह सकते हैं कि इसका एक कंपोनेंट कुछ इस डायरेक्शन में हम अगर बनाए कुछ ऐसे इस डायरेक्शन में जो कि इसे स्लाइड करवाएगा, और एक कंपोनेंट इसका इस डायरेक्शन में बने, दो परपेंडिकुलर एक्सिस में कंपोनेंट्स। उसी तरह से ये जो mg है इसका भी दो कंपोनेंट्स, एक तो इस डायरेक्शन में और दूसरा इस डायरेक्शन में। यहां पर ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये इसे स्लाइड करके नीचे ले जाने का कोशिश करेगा। फ्रिक्शनलेस सरफेस है, फ्रिक्शन तो है ही नहीं, ये स्लाइड नहीं कर रहा, इसका मतलब ये जो कंपोनेंट है और ये कंपोनेंट है ये दोनों एक दूसरे के साथ बराबर है, इसीलिए ये ना तो ऊपर स्लाइड करेगा ना ही नीचे स्लाइड करेगा। अब कुछ एंगल्स देख लेते हैं यहां पर, ये अगर थीटा होगा तो ये एंगल भी होगा थीटा, ये एंगल भी थीटा ही होगा। और हम ये आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री माइनस थीटा होगा और ये एंगल जो है ये भी थीटा होगा। तो फिर हम यहां से कह सकते हैं कि ये कंपोनेंट जो होगा ये होगा एफ सी इंटू कोसाइन ऑफ थीटा, और यही कंपोनेंट हो जाएगा एफ सी इंटू साइन ऑफ थीटा। तो हमने इसे रिजॉल्व कर लिया दो परपेंडिकुलर एक्सिस में। उसी तरह से ये जो कंपोनेंट है ये बनेगा एम जी इंटू कोसाइन ऑफ थीटा, ये वाला कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट जो बनेगा ये होगा एम जी इंटू साइन ऑफ थीटा। तो इस स्पेशल सिनेरियो में होना यह है कि केस नंबर वन के लिए ये स्पेशल सिनेरियो, इसमें होना यह है कि इसे और इसे एक दूसरे के साथ बराबर होना है। तो हम कह सकते हैं कि एम जी इंटू साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एफ सी इंटू कोसाइन ऑफ थीटा, तो यहीं पर लिख देते हैं एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। तो यहां से आप m से अगर डिवाइड करते हैं तो ये m और ये m कैंसिल हो जाएगा, और हम कह सकते हैं इस कोसाइन ऑफ थीटा को अगर इधर ले आते हैं, g को अगर अपोजिट साइड में ले जाते हैं, तो हम यहां से कह सकते हैं कि साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ थीटा, तो हम कह सकते हैं कि वो होगा टेंजेंट ऑफ थीटा, इस कोसाइन ऑफ थीटा को इधर ले जाए, जो कि बराबर होगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी के। सो इसी तरह से इससे आगे आप ये कह सकते हैं कि स्पीड जो होगा इस स्पेशल केस में, स्पीड जो होगा वो बराबर होगा या फिर उसका स्क्वायर जो है ये बराबर होगा आर जी इंटू टेंजेंट ऑफ थीटा के। तो हम यहां से कह सकते हैं कि वी जो है ये बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ उसी टर्म के, सो स्क्वायर रूट ऑफ आर इंटू जी इंटू टेंजेंट ऑफ थीटा।
और यहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो यहां पर देखें mg इंटू कोसाइन ऑफ थीटा प्लस fc इंटू साइन ऑफ थीटा के बराबर होगा. उन दोनों को जोड़े नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होना चाहिए. सो इसे कॉपी कर लेते हैं यहां से और ये फर्स्ट केस के लिए है. उसी तरह से आगे दूसरे और तीसरे केसेस को हम कंसीडर करेंगे. तो यहां से अब केस नंबर टू. सो सेकंड केस के लिए जैसे कि हमने बात किया था इस केस में होगा क्या कि हम मैक्सिमम स्पीड पता लगाएंगे जहां पर होगा ये कि ये जो कार है ये स्लाइड कर जाएगा ऊपर की तरफ. सोचे हमने स्पीड बढ़ा दिया तो स्पीड बढ़ा तो ये टर्म बढ़ा. ये टर्म जैसे ही बढ़ा तो उसे काउंटर करने के लिए जो भी एक्स्ट्रा फोर्स बनेगा ऊपर की तरफ उसे काउंटर करने के लिए यहां फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करने लगेगा. आप इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को और बढ़ाए मतलब कि स्पीड बढ़ते गया, मान ले स्पीड बढ़ते गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ा तो ये जो कंपोनेंट है ये बढ़ा तो जो भी एक्स्ट्रा फोर्स होगा इस डायरेक्शन में उसे काउंटर करने के लिए फ्रिक्शन का वैल्यू और बढ़ेगा और बढ़ेगा. फ्रिक्शन फ्रिक्शन बढ़ते गया बढ़ते गया. एक समय आएगा जब यह फ्रिक्शन ब्रेक कर जाएगा क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन का भी एक मैक्सिमम लिमिट है. उसके बाद यह कार जो है ये ऊपर की तरफ स्लाइड करने लगेगा क्योंकि ये जो कंपोनेंट है ये इन दोनों के सम से ज्यादा हो जाएगा. तो लिमिटिंग सिचुएशन में इस फोर्स को या फिर इस कंपोनेंट को फोर्स के इस कंपोनेंट को इसके और इस फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होना है. हम कह सकते हैं जब स्पीड मैक्सिमम होगा तब ये कंपोनेंट इन दोनों के सम के बराबर होगा. तो यहां पर जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो फ्रिक्शनल फोर्स होगा म्यू अर्थात कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन के. तो इस तरह के सिचुएशन के लिए जो इक्वेशन बनेगा उसे लिख लेते हैं. सबसे पहले तो नॉर्मल रिएक्शन को इवेल्युएट कर लेते हैं. इन दोनों का सम होगा नॉर्मल रिएक्शन क्योंकि यहां हमें उसे इंसर्ट करना है. तो नॉर्मल रिएक्शन आर ये बराबर होगा देखे एम जी इंटू कोसाइन ऑफ थीटा प्लस एफ सी इंटू साइन ऑफ थीटा. एफ सी यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इसका वैल्यू हम बाद में इंसर्ट करेंगे. अब देखें इस टर्म को इन दोनों के सम के बराबर होना है तो हम कहेंगे यहां से कि एफ सी इंटू कोसाइन ऑफ थीटा ये लिमिटिंग केस है इसके बाद ये स्लाइड कर जाएगा इज इक्वल टू एम जी इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस म्यू इंटू आर. म्यू जो कि है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू नॉर्मल रिएक्शन. तो नॉर्मल रिएक्शन की जगह ये वाला वैल्यू पुट कर लेंगे हम तो उसी को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं प्लस म्यू इंटू एम जी इंटू कोसाइन ऑफ थीटा प्लस म्यू इंटू एफ सी इंटू साइन ऑफ थीटा. तो एफ सी वाला टर्म को एक साथ रखते हैं क्योंकि हमें स्पीड पता करना है. स्पीड हमें कहां से मिलेगा, हमें एफ सी से मिलेगा स्पीड. सो एफ सी वाले टर्म्स को अगर हम साथ में रखते हैं तो हम कहेंगे एफ सी इंटू कोसाइन ऑफ थीटा माइनस म्यू इंटू एफ सी इंटू साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम जी इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस म्यू इंटू एम जी इंटू कोसाइन ऑफ थीटा. तो यहां से एफ सी को अगर कॉमन आउट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एफ सी को कर दिया कॉमन आउट तो एफ सी की जगह एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर लिखते हैं स्मॉल लेटर आर जो कि है रेडियस ऑफ कर्वेचर. इसे कॉमन आउट कर दिया तो हमें ब्रैकेट के अंदर मिला कोसाइन ऑफ थीटा माइनस म्यू इंटू साइन ऑफ थीटा जो कि बराबर होगा इस साइड से अगर एम जी को कॉमन आउट करते हैं तो साइन ऑफ थीटा प्लस म्यू इंटू कोसाइन ऑफ थीटा. अब यहां से आगे अगर हम m से डिवाइड करते हैं तो देखिए ये m कैंसिल हो जाएगा. तो यहां से हम कह सकते हैं कि v स्क्वायर्ड का जो वैल्यू होगा चलिए यहां पर लिखते हैं. यहां पर जो मैक्सिमम स्पीड होगा यहां पर मुझे v मैक्स लिखना चाहिए था क्योंकि ये मैक्सिमम स्पीड है. इसके बाद ये ब्रेक कर जाएगा ये फ्रिक्शन और फिर ये स्लाइड करके ऊपर चला जाएगा. तो इस केस में जो स्पीड होगा उसका जो स्क्वायर होगा स्पीड का वो किसके बराबर हो रहा देखे यहां पर r को ले जाए इधर तो ये हो गया आर जी इंटू ये टर्म और डिवाइडेड बाय ये. सो आर जी इंटू साइन ऑफ थीटा
प्लस म्यू इंटू कोसाइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय ये वाला टर्म जो है कोसाइन ऑफ थीटा माइनस म्यू इंटू साइन ऑफ थीटा. और अगर इस स्क्वायर को हटा दे तो हमें स्क्वायर रूट करना होगा. सो इक्वेशन के दोनों साइड का स्क्वायर रूट कंसीडर करेंगे तो हमें मिलेगा v इज दैट. और ये v कैसा v है, ये v मैक्स है, मैक्सिमम स्पीड. अब उसी तरह से तीसरा केस हमें कंसीडर करना है. तो तीसरा केस में होगा ये कि इसमें ये वाला जो टर्म है ये बहुत छोटा हो जाएगा, तो इस कार का जो टेंडेंसी होगा स्लाइड करके नीचे की तरफ जाने का होगा, जिसे रोकेगा ये फ्रिक्शन. तो यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स कुछ ऐसे एक्ट करेगा, इस डायरेक्शन में नहीं होगा फ्रिक्शनल फोर्स, बल्कि इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स जो है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा. अब फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा और यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स ये जैसे पिछले केस में था वही होगा, म्यू आर होगा ये. तो ये अब ऊपर की तरफ एक्ट करने लगा. तो यहां पर जो इक्वेशन अब बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, मैं फिर से नॉर्मल रिएक्शन के लिए लिख लेता हूं. इक्वेशन जो था आर इज इक्वल टू एम जी इंटू कोसाइन ऑफ थीटा प्लस एफ सी इंटू साइन ऑफ थीटा. अब जो इक्वेशन बनेगा वो कुछ ऐसा होगा कि इसका स्पीड कुछ इतना है कि जस्ट ये स्लाइड करने से रुका हुआ है, मतलब कि मिनिमम स्पीड है इसका, इससे कम होगा तो स्लाइड करके नीचे चला जाएगा. इसे इस फोर्स को इन दोनों फोर्सेस के साथ बराबर होना होगा. तो हम कहेंगे यहां से कि एम जी इंटू साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एफ सी इंटू कोसाइन ऑफ थीटा प्लस म्यू आर. तो इसके साथ ये आर है, नॉर्मल रिएक्शन है, इसके साथ म्यू मल्टीप्लाई करें. सो म्यू एम जी इंटू कोसाइन ऑफ थीटा प्लस म्यू एफ सी इंटू साइन ऑफ थीटा. तो एफ सी वाले टर्म को एक साथ रखें और फिर बाकियों को अलग तरफ रखें. तो एफ सी वाले टर्म जो है उसे हमने एक तरफ रखा. सो एफ सी इंटू कोसाइन ऑफ थीटा और इसे भी रखते हैं प्लस म्यू एफ सी टू साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, इसे ले जाएंगे ऑपोजिट साइड में. देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने पहले ही स्विच कर लिया है, तो अगर कंफ्यूज है तो थोड़ा बेहतर तरीके से इसे देख ले. सो इसे ले जाएंगे इधर, तो ये निगेटेड हो जाएगा. तो एम जी इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस म्यू एम जी इंटू कोसाइन ऑफ थीटा. तो यहां से एफ सी को कॉमन आउट कर दिया हमने, मतलब एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर को कॉमन आउट कर दिया यहां से, और ब्रैकेट के अंदर कोसाइन ऑफ थीटा प्लस म्यू इंटू साइन ऑफ थीटा मिला. और यहां से एम जी को कर दिया हमने कॉमन आउट, तो हमें मिला ब्रैकेट के अंदर साइन ऑफ थीटा माइनस म्यू इंटू कोसाइन ऑफ थीटा. तो एम से अगर डिवाइड करेंगे इक्वेशन के दोनों तरफ तो हमें कुछ ऐसा मिला इक्वेशन. इससे आगे हम कहेंगे कि v स्क्वायर्ड इज इक्वल टू आर जी इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस म्यू इंटू कोसाइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ थीटा, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, प्लस म्यू इंटू साइन ऑफ थीटा. तो हम कहेंगे कि इस केस में, इस तीसरे केस में जो स्पीड होगा जिसे कि हम v मिन कहेंगे, इसके बाद ये स्लाइड कर जाएगा, इससे नीचे स्पीड होगा तो स्लाइड कर जाएगा, वो होगा इसी का स्क्वायर रूट. तो स्क्वायर रूट ऑफ आर जी, मैं फिर से लिख रहा हूं, एक साथ रहेगा तो आप इसके लिए कोई ट्रिक ढूंढ सकते हैं याद रखने के लिए, डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ थीटा प्लस म्यू इंटू साइन ऑफ थीटा. तो ये हो गया तीन स्पीड्स. तो ये क्या है मिनिमम स्पीड, ये क्या है मैक्सिमम स्पीड. मिनिमम से कम होगा तो नीचे स्लाइड करेगा, मैक्सिमम से ज्यादा होगा तो ऊपर स्लाइड करेगा. और ये वो खास स्पीड है जहां पर कि फ्रिक्शन का जरूरत ही नहीं है. जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले ये कहा था आपसे कि कुछ देर बाद मैं इस पे और भी थोड़ा चर्चा करूंगा कि ऐसा सिचुएशन क्यों आया कि फ्रिक्शन ही एक्ट नहीं कर रहा. तो आप ऐसे सोचिए, मैक्सिमम स्पीड है इसके पास तो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ, अभी मैक्सिमम स्पीड है मान ले. अब स्पीड को आप घटा रहे तो फ्रिक्शन थोड़ा घटेगा,
स्पीड को आपने और थोड़ा घटाया तो फ्रिक्शन और घटा, आपने स्पीड को और घटाया तो फ्रिक्शन और घट गया। कम चाहिए होगा फ्रिक्शन क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो भी कम हो रहा है, और घटते घटते एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा। वही ये स्पेशल केस है। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और घटा, मतलब स्पीड आपने और घटाया, तो अब फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगने लगेगा। अब और घटाया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को तो फ्रिक्शन अब बढ़ते रहेगा। ये बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा। जब इसका मैक्सिमम एबिलिटी तक ये बढ़ जाएगा, उसके बाद ये ब्रेक कर जाएगा और ये कार जो है मिनिमम स्पीड के नीचे, ये नीचे की तरफ स्लाइड करेगा। तो फिर इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे की वीडियोस में हम और भी बहुत सारे चीजों पे बात करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। तो अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय।